रात को सोने से पहले ये दो चीज़ें मिलाकर खा लीजिए, आपके पेट की चर्बी बहुत बढ़िया तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट पेट ही क्यों, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट है ये उसको बहुत बढ़िया तरीके से कट करेगा, लेकिन आपको रोज़ाना इसको फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको जाकर रिजल्ट मिलेगा। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं कि आपने ऐसे घुमाया और आप पतले हो गए, तो इसके लिए आपको उसको रोज़ाना इनटेक भी करना पड़ेगा और साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। हल्का फुल्का करिए, सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने आप को मैं सिर्फ कह रही हूँ 10 मिनट देने के लिए। 10 मिनट कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, दूसरों के जैसी बॉडी भी चाहिए और मेहनत और रेमेडी आप कुछ खाना नहीं चाहेंगे तो बस कमेंट ही करते रह जाएंगे कि मैं एज इट इज हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर जो इस वीडियो को देख रहा है उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम बिना हिले पतले हो जाएं, तो वो वीडियो बिल्कुल ना देखें, स्किप करके बंद करके जा सकते हैं। लेकिन जो सच में अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। फॉर लेजी पर्सन के लिए भी, जो अपनी बॉडी से ज्यादा काम नहीं लेना चाहते और फिर भी अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं किचन की तरफ, कैसे बनाना है, कैसे खाना है वो जान लेते हैं। आपको इसके लिए लेना है 1 चम्मच जीरा और साथ में हनी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि इसके फायदे क्या हैं, ताकि मैं चाहती हूँ आप इसको रोजाना लें। रोजाना लेने के लिए अगर आपको इसके फायदे नहीं पता होंगे तो आप एक दिन लेंगे दूसरे दिन बंद कर देंगे। जीरा क्या करता है, जीरा आपके पेट में जो दर्द होती है, चुभन होती है, आपको खाना खाने के बाद जो खट्टी डकारें आती हैं, आपकी छाती में जलन होती है, आपका जो पेट फूल जाता है, ये सारी समस्याओं को दूर करता है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा, ये आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। अगर आप जीरा इस तरीके से इनटेक करेंगे तो आपको कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, आप कभी भी एनीमिक नहीं होंगे। तीसरा बड़ा फायदा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके नसों में दर्द होता है, गठिया है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी नसें जो होती हैं उनमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। अगर आप जीरा इस तरीके से इंटेक करेंगे तो आपके शरीर में ब्लड बहुत अच्छे से दौड़ेगा, जिससे कि आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट ऑक्सीजन है वो तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, और साथ में आपके शरीर में जितनी भी दर्द और ऐंठन थी वो समस्याएं भी जड़ से खत्म हो जाएंगी डेफिनेटली। तो आज से ही इसको लेना शुरू करें, ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा। तो अब तक जो आपको ये समस्या आती थी कि मैं खाना खा नहीं रही फिर भी मोटी हो रही हूँ, और जो मेरा साथ वाला बंदा है वो मेरे सामने इतनी रोटियां खाता है और फिर भी वो मोटा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होता है, डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है। तो आपका साथ वाला जो भी रोटी खाता है वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका बिना कुछ खाए ही आप जो भी थोड़ा सा भी इनटेक करते हैं वो आपके फैट में कन्वर्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा राज है, अगर आप पतला होना चाहते हैं आपका डाइजेशन बहुत होना चाहिए, तो उस वीक डाइजेशन को ये बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट करेगा। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच हनी। हनी आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसको कैसे खाना है आप वो जान लीजिए। आपने रात को खाना खा लिया, आपको 1 घंटा हो चुका है, सोने से आधा घंटा पहले और रात के खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इसको रोजाना लेना है, और इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मल पानी पी लेना है और एज इट इज सो जाना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप जो चीज भी खाएंगे वो इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। तो चलिए अब मैं इसको आपको खा के दिखाती हूँ एज इट इज कच्चा, मैंने इसको भूना नहीं है, कुछ नहीं किया। ये आपको ऑनेस्टली बहुत टेस्टी लगेगा। जो डायबिटिक हैं वो हनी ऐड नहीं करें, उसको ऐसे ही कंज्यूम करें, गर्म पानी के साथ जीरा चबाएं या हल्का रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हनी ऐड मत करिएगा जिनको डायबिटीज़ है। आप जीरा हनी खाइए, उसके बाद इस गर्म पानी को सिप सिप करके पी लीजिए और फिर देखिए इसका इफेक्ट। इसके बाद बहुत अच्छी नींद लें, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करती है, क्योंकि स्ट्रेस जब हमारे बॉडी में बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, तो हम बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करने में लग जाते हैं। तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करेगी, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल कम करेगी और आपको एक बहुत अच्छी नींद देगा। तो प्लीज़ इसको आज से ही ट्राई करें, और जो भी आपके ऊपर इसका रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव या कुछ भी, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि पॉजिटिव के अलावा आपके ऊपर का रिजल्ट कोई और दूसरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अगर मैं अपनी फैमिली से शेयर करूं, बिकॉज आप लोग मेरी फैमिली हैं, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, तो उनके विश्वास को मैं तोड़ ही नहीं सकती। तो बस आपका विश्वास हमेशा बरकरार रखूंगी, आपकी सेहत को हमेशा मेंटेन रखूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेमेडीज और कुछ नई जोश के साथ। गुड लक।